डिपेंड करता है कि ना आपकी कॉन्शियसनेस क्या थी उस वक्त। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो इट्स लाइक आप एक नींद से उठे और उठ करके बस आप चल दिए और भगवान के धाम में एंटर कर गए, इट्स लाइक दैट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शरीर से बहुत अधिक आसक्त होता है तो फिर मरते वक्त बहुत कष्ट होता है, उस वक्त फ्लैशबैक चल रहा होता है लाइफ में, ये क्या था, ये क्या था, ये भी क्या था, वो ये भी क्या था, ओहो। साथ ही साक्षात वो यमदूतों को देख पा रहा होता है। अब यमदूत बड़े खतरनाक देखते हैं उनको, देखकर कि वो थर 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 कांप रहा होता है। और फिर जो प्राणवायु जब शरीर से निकलती है तो बड़ा कष्ट देखे निकलती है। जैसे कि एग्जाम्पल आता है कि जस्ट टू गिव अस अंडरस्टैंडिंग ना, एक्चुअली मृत्यु के वक्त कितना पेन होता है, इट्स लाइक 40,000 स्कॉर्पियंस बाइटिंग साइमल्टेनियसली, 40,000 बिच्छू एक साथ मिलकर के ऑन मार्क गेट्स को काटे, सोचिएगा कष्ट होगा, दैट्स द पेन ऑफ डेथ। एक और एनालॉजी आती है मृत्यु की, वो ये है कि अगर किसी के नाभि में कैक्टस डाले जाए और घुसा घुसा के घुसा घुसा कर 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 करके मुंह से निकाला जाए अगर कैक्टस, कितना दर्द होगा। उतना दर्द होता है जब कोई मरता है तो प्राणवायु चीरती फाड़ती कट 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 कर निकलती है। तो इसीलिए मृत्यु वैसी होती है जैसे हम मूवी में देखते हैं ना, बंदा पूरा डायलॉग देखे देखे मर रहा है, माँ तू ताऊ जी का ध्यान रखना, माँ तू ताई जी का ध्यान रखना, डायरेक्टर साहब और डायलॉग है मरने से पहले नहीं है, ठीक है फिर मैं आराम से मरता हूँ, मैं चाह रहा हूँ, नहीं सर ऐसा नहीं होता। तो फिल्मों के अंदर दिखाया था बंदा तो बड़े आराम से मर गया, नहीं नहीं जी, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, 40,000 स्कॉर्पियंस बाइटिंग यू साइमल्टेनियसली और टेकिंग अ कैक्टस और नाभि से घुसा करके चक 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 कर 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 के मुंह से निकालना, दैट्स अ पेन ऑफ डेथ। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल हो जाता है, भक्त हो जाता है, तो ऐसे में आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, तो इसलिए आत्मा को शरीर को छोड़ने में कोई दिक्कत होती नहीं है। तो इसलिए भक्त के लिए क्या है, इट्स लाइक नींद से उठ करके बस एक नई दुनिया में प्रवेश करना, वो है भगवान का धाम गोलोक वृंदावन। सो इसलिए क्या एहसास होता है मरते वक्त, इट डिपेंड्स कि आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, that of a materialist or that of a spiritualist.